माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए। बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले, बिल अपलोड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है, और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है सर, कृपया चेक करने के लिए बताइए। मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूँ कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कर दिया ना आपने, ये अपलोड है, अपलोड है, अपलोडेड है साहब, बता दे। बिल अपलोडेड है गौरव जी, यू कैन सी द बिल, आप इसमें अपलोड है बिल। अधिरंजन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और SC ST इन हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है, इस आर्टिकल में है इस... I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila Reservation Bill? Let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. है मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। हम आज भारत में डिजिटल इंडिया के बात करें, चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया, चेक करिए प्लीज, चेक मिस्टर गौरव, डिजिटल कंसोल में एसएमईज में भी है चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप एक मिनट देख लो। रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए, रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक अध्यक्ष जी, इनको शांत कराइए, आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण, अधिरंजन जी सुनिए, दो मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधिरंजन जी सुनिए थोड़ा, आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं
जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी, उसको यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं धीरंजन जी, अभी जैसे 543 मेंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालूजी यू कैन सी नाउ बिल आल्सो इन योर हैंड बालूजी यू कैन सी इट नाउ। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल, अध्यक्ष जी मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीरंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको, और इतिहास भी सुनिए कल्याण प्रदेश जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम, आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका, सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा, यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीरंजन के लिए, अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीरंजन जी देखिए आर्टिकल 107, अरे सुनो तो सही, मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुमति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूपा मानने की रही है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमन डेवलपमेंट से वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट अनकोट, बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश या राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड, विच वुमन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी, इसको कौन दूर करेगा, आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में तो जनधन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं, एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं, एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंडअप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूँ आपसे, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि इस विधेयक को पुरुष स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुरस्थापित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे स्विच ऑन।